अथ दशमोऽध्यायः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते अहं प्रियबाणाय वक्षामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले हे महाबाहो, फिर भी मेरे रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जो तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले की इच्छा से कहूँगा। नामे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना महर्षि, मैं सभी का आदि कारण हूँ। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा जन्म रहित अनादि लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनो स्थिता मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोको इमा प्रजाः। सात महर्षि जन चार उनसे भी पूर्व होने वाले शनकादि स्वयंभू आदि 14 मनु ये सब भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। हे ताम विभूतिम योगम च मम योगेति तत्वता सो अव विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, सब चेष्टा मुझसे ही जगत करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट रहते हैं, मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम रूप भजने वाले भक्तों को वह मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थ अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात भावस्तु ज्ञान दीपेन भाष्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यादि देवमजं विभुम आहुस्ताम ऋषया सर्वे देवर्षि नारद स्तुताचितो देवलो व्यास स्वयं चैव ऋषिमे। अर्जुन बोले, आप परब्रह्म परम धाम परम पवित्र, क्योंकि आप सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं आपको, वैसे ही देवर्षि नारद आशित देवल ऋषि महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे पति कहते हैं। सर्वमेतद्रितं मन्येयन् मां वदस केशवो न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवान् दानवः। हे केशव, जो कुछ मेरे प्रति आप कहते हैं सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन, लीला में स्वरूप को ना आपके दानव जानते हैं ना देवता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभा